हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिल्मी रिवील के एक और वीडियो में। आज हम रिव्यू करेंगे जंगल क्रूज मूवी का। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी के इंट्रोडक्शन के साथ। इस फिल्म का नाम जंगल क्रूज इसलिए रखा गया है क्योंकि फिल्म में मेन रोल में काम कर रहे फ्रैंक नाम के व्यक्ति का क्रूज का बिजनेस है। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसकी रेटिंग 6.7 है, जो किसी भी फिल्म को एवरेज प्लस मानी जाती है। जंगल क्रूज को फर्स्ट टाइम 30 जुलाई 2021 को UK में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को देखने के लिए आप हॉटस्टार डिज्नी प्लस पर जा सकते हैं या हमारे इंस्टा अकाउंट से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। स्टोरी की बात करें तो जंगल क्रूज में दो व्यक्ति मुख्य किरदार निभाते हैं, फ्रैंक और लिली। फ्रैंक अमेजोन जंगल में यात्रियों को घुमाने का काम करता है और लिली अमेजोन जंगल में एक पौधा ढूंढने के लिए फ्रैंक के पास जाती है। अमेजोन जंगल में एक ऐसा पौधा पाया जाता था जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। उस पौधे को ब्रिटिश राजा भी ढूंढ रहा था ताकि वो भविष्य में कभी भी युद्ध ना हार सके। उस पौधे को अमेजोन जंगल में ढूंढने के लिए एक स्पेशल मैप और एक पत्थर की तरह दिखने वाले वस्तु और उस पर क्या लिखा है ये जानना बहुत जरूरी था। लिली के पास ये दोनों वस्तु थी पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस पत्थर पर लिखा क्या हुआ है। लिली अपने भाई और फ्रैंक के साथ उस पौधे को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। फ्रैंक यात्रियों को डरा करके पैसे कमाता था, इसलिए उसने जंगल में कुछ अपने दोस्त बना रखे थे। फ्रैंक के जंगली दोस्त आते हैं और तीनों को पकड़कर अपने गुफा में ले जाते हैं। फ्रैंक अपने दोस्त से अलग भाषा में बात कर रहा था इसलिए लिली को उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन लिली ये समझ जाती है कि फ्रैंक ये सब मेरे उस रहस्यमय पत्थर को लेने के लिए कर रहा है। लिली वहां से जाने लगती है तभी कुछ बाहरी लोग हमला कर देते हैं। वो दिखने में तो बहुत खतरनाक थे लेकिन उन सभी से फ्रैंक लिली को बचाकर बाहर ले आता है। फ्रैंक के चेस्ट में तलवार घुस गई थी लेकिन ना तो उसको खून निकला और ना ही मरा। फ्रैंक बताता है कि मैं आम इंसान नहीं हूँ, मुझे 400 साल हो गया इस जंगल में और पिछले 400 साल में मैं इस पौधे को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं मिला। फ्रैंक बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था, उसके दोस्त की बेटी काफी बीमार थी, उसको सिर्फ इसी पौधे से ठीक किया जा सकता था। मेरे दोस्त ने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो जब भी लौटेगा ये पौधा उसके हाथ में होगा, वरना वो जंगल से कभी वापस नहीं आएगा। फ्रैंक और उसके दोस्त को ये पौधा नहीं मिला और वो सभी समय के साथ बूढ़े हो गए। सभी ने फैसला किया कि हम यहीं मर जाएंगे पर खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। सभी दोस्त अपने मरने का इंतजार कर रहे थे तभी वहां से आदिवासियों की टोली निकली। उसका सरदार एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके पास वो पौधा था, उसने सभी को खिला दिया। सभी दोबारा उठ के खड़े हो गए और सभी पहले से भी अधिक ताकतवर हो गए। फ्रैंक के दोस्त ने उस पौधे का पता उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बूढ़ा व्यक्ति बताने से मना कर देता है जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो सभी आदिवासियों को मार देता है। बूढ़ा व्यक्ति मरने से पहले श्राप देता है कि तुम सभी इस जंगल से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। फ्रैंक ने किसी को मारा नहीं था इसलिए उसे जंगल में घूमने की आजादी थी पर बाहर जाने की नहीं, और उसके सभी दोस्तों को पेड़ पौधे अपनी शाखाओं में जकड़कर पत्थर बना देते हैं। और ये उसी पौधे का कमाल है कि फ्रैंक 400 साल से जिंदा है। फ्रैंक के जंगली दोस्तों को उस पत्थर पर लिखी भाषा की जानकारी थी। वो बताते हैं कि पौधे को पाने के लिए सबसे पहले गिरते हुए पानी को पत्थर में बदलना होगा, फिर एक गुफा में जाकर दो टूटे हुए दिल को मिलाना है। दिल के मिलते ही चांद खून के आंसू रोएगा और तभी वो पौधा सिर्फ कुछ मिनटों के लिए खिल जाएगा। लिली अपने भाई को वापस भेज देती है और फ्रैंक के साथ आगे का सफर तय करती है, लेकिन लिली के भाई को राजा पकड़ लेता है और उसी की सहायता से लिली का पीछा करता है। फाइनली फ्रैंक उस जगह को ढूंढ लेता है, दोनों पानी को पत्थर में बदल देते हैं और गुफा में जाते हैं, लेकिन वहां राजा भी पहुंच जाता है। राजा कहता है कि तुम दोनों में से किसी एक को ही वो फूल मिलेगा, और जैसे ही फूल खिलता है लिली फ्रैंक को गोली मारकर फूल ले लेती है, लेकिन वो फूल इतने कम समय के लिए खिला था कि सिर्फ एक ही फूल मिल पाया। फूल के खराब होते वहां के पेड़ पौधे राजा और फ्रैंक दोनों को ही अपनी शाखाओं में जकड़कर पत्थर बना देते हैं।
लिली उस फूल को फ्रैंक के मुंह में डाल देती है और वहां से जाने लगती है। उसे लगता है कि ये पौधा काम नहीं करेगा, लेकिन अचानक से फ्रैंक उन पेड़ों से बाहर आ जाता है। लिली फ्रैंक को जंगल से आजाद करा के लंदन सिटी ले आती है। अब बात कर लेते हैं फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। जंगल क्रूज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ड्वेन जॉनसन की फिल्म में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इस फिल्म में एक्शन से अधिक तवज्जो स्टोरी को दी गई है और साथ ही हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।